देश भर में रेप की घटनाएं सभी समाज को शर्मसार कर रही है। वहीं यूपी के जनपद मऊ के मधुबन क्षेत्र में स्कूल में जा रही 10वीं की छात्रा को अगवा कर ले गए युवकों ने शुक्रवार को उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इस मामले में पीड़िता के पिता ने 6 युवकों के खिलाफ नामजद तहरीर दी। तहरीर मिलते ही पुलिस ने जाँच पड़ताल शुरू कर दी। क्या मामला है आपका? हम स्कूल जा रहे थे, लोग हमको जबरदस्ती लेकर घर ले जाके अंदर बंद कर दिए रूम में। कहाँ किस स्कूल में पढ़ती हो? नगीना में। कई लोग थे? चार लोग थे। चारों के हैं? नहीं, बस उसमें एक आदमी क्या है? हाँ। क्या नाम है उसका? रजनीश। हाँ। गांव का ही है? हाँ। तुमने शोर नहीं उठाया? नहीं। किसकी कोठरी थी जिसमें जाकर बंद कर दिए? किस प्रधान की? जमील प्रधान कोठरी थी, उसमें लेकर बंद कर दिए लोग थे। ये लोग रहते नहीं है क्या वहाँ पर? उन्हीं के भाई बंद किए थे। उन्हीं के भाई बंद किए थे, जमील के ही। क्या नाम उनका? सुहेल। सुहेल ही तुमको लेकर कोठरी में बंद कर दिए थे। कल शाम में 7 बजे लगभग थाना क्षेत्र मधुबन अंतर्गत ग्राम रसूलपुर में एक 15 साल की बालिका के साथ बलात्कार की घटना थाने पर रिपोर्ट की गई थी। SHO मधुबन को तत्काल FIR दर्ज करने का निर्देश दिया गया। धारा 376D, 506 IPC और पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। 2 नामजद अभियुक्त, जिसमें एक मुख्य अभियुक्त है और एक उसका साथी है, इन दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पीड़िता का 161 का बयान महिला कांस्टेबल के द्वारा वीडियोग्राफी में दर्ज कराया जा रहा है, मेडिकल कराया जाएगा। 164 का बयान कराया जाएगा और घटना का मौका मुआयना कर लिया गया है। पीड़िता के परिवार से भी वार्ता की गई है, उनको सुरक्षा का पूरा एहसास दिलाया गया है। पूरे प्रकरण की गंभीरता से जाँच की जा रही है। बाकी 2 अभियुक्त को भी बहुत जल्द हिरासत में लेके और उनसे भी पूछताछ की जाएगी। वर्तमान में कानून व्यवस्था की कोई समस्या मौके पर नहीं है।